जय श्री गणेश जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक पे। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। जैसे कि आप जानते हैं कि 10 तारीख को ग्रहण है और ये ग्रहण, जैसे आपको पता है कि मैंने आपको अपने ऑडियो जो बहुत सारे वीडियो डाले हैं उसमें बताया है, रात को 10:22 से लेके रात्रि में 2:44 तक यानी 2:44-2:42 तक नाइट में ये ग्रहण रहेगा। और इसके उपलक्ष्य में बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ें करते हैं और इसी में मैं आपको एक और उपाय बता रही हूँ। यदि आपको मैरिज में बहुत दिक्कत आ रही है, आपको शादी को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, यदि आप मैरिज करना चाहते हैं मगर आप मैरिज नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारण से आपको दिक्कत आ रही है, तो ग्रहण वाले दिन ये एक उपाय आप कर सकते हैं। वो उपाय मैं आपको बताऊंगी। यदि आपको पंडित जी ने बताया है कि आपका बृहस्पति डाउन है, या आपको खुद पता है कि आपका बृहस्पति खराब है, या आपको शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत आ रही है, शादी में दिक्कत आ रही है, आपको हायर स्टडीज में दिक्कत आ रही है, एजुकेशन में दिक्कत आ रही है, आप किसी अच्छी जॉब पे जाना चाहते हैं उसमें भी आपको दिक्कत आ रही है, यानी कि अगर आपको अपनी लाइफ में उठने में भी दिक्कत आ रही है, तो आपको ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय से आपको निश्चित तौर से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस उपाय को आप करके देखिएगा। उपाय को बताने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को बेल आइकन दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। इसके अलावा मेरे जो लेटेस्ट वीडियो पड़े हैं ग्रहण पे, उसको आप देखिएगा, उसको करने से आपको ग्रहण वाले दिन कर सकते हैं। और भी जो मैंने सूर्य ग्रहण पे और अदर्स ग्रहण के टाइम पे भेजे हैं आपको नेट यूट्यूब पर डाले हैं, 24-25-26 तारीख में जो डाले थे, 22-23 दिसंबर में जो मैंने वीडियोस डाले थे, आप उनको कर सकते हैं। और जो लेटेस्ट मैंने अभी कल परसों में डाले हैं तांत्रिक महा उपाय जो डाले हैं, 2 तरीके के डाले हैं, उसको भी आप कर सकते हैं। और 100% मनोकामना पूर्ति का एक वीडियो जो मैंने कल अपलोड किया था, उसको आप जरूर देखिएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप क्या कर सकते हैं ग्रहण वाले दिन। आपको पता है कि नाइट में ग्रहण लगेगा, लेकिन उससे पहले जो है उसका एक छाप से शुरू हो जाती है, एक ऑरा तैयार हो जाता है ग्रहण लगने से पहले, तो आपको उसका फायदा उठाना है। कोई भी काम जो ग्रहण में किया जाता है वो पक्की तौर पे स्थायी होता है, और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। तो जिन लोगों को मैरिजेस में दिक्कत आ रही है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको कच्चा सूत लेके आना है, सफ़ेद रंग का जो कच्चा सूत आता है आप उसको लेंगे और आप उसमें हल्की सी हल्दी लगा लेंगे। हल्दी में रंगने के बाद उसका रंग पीला हो जाएगा। आपको ग्रहण तो रात को 10 बजे लगेगा, लेकिन आपको शाम को चले जाना है जहाँ पर भी हो, पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़, दोनों में से कोई भी पेड़ आपको मिल जाए। बरगद का पेड़ वैसे भी जो है बृहस्पति को ही डिनोट करता है, तो आप बृहस्पति पे जा सकते हैं, मतलब बरगद पे जा सकते हैं। जिन लोगों को बरगद का पेड़ ना मिले वो पीपल के पेड़ पे जा सकते हैं। आपको क्या करना है, उसकी परिक्रमा करनी है। कैसे करनी है, आप एक छोर पर धागे को बांधेंगे और उसकी परिक्रमा कराएंगे। कैसे करेंगे मैं बता देती हूँ। आप सबसे पहले वहाँ जाएंगे और वहाँ पे जाकर आपको 1 रुपये का सिक्का या 10 रुपये का सिक्का जो भी आपके पास है, एक बताशा रखकर हाथ जोड़ लेना है, एक अगरबत्ती लगाकर अपनी जो भी मनोकामना है उसको बोलते हुए प्रार्थना करनी है कि आपके पास मतलब जो भी आपकी परेशानी है वो दूर हो जाए। जिस चीज़ को भी आपने, चाहे वो शादी की हो, हायर एजुकेशन की हो, या मैरिज लाइफ में जो भी आपकी डिस्टर्बेंस है उसको लेकर हो, और बृहस्पतिवार के ये देव के उपाय के रूप में, आशीर्वाद पाने के रूप में आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने जो डोरा है पहले आप अगरबत्ती जलाएंगे, वहाँ पे थोड़ा प्रसाद रखेंगे, थोड़ा सा आप बोल देंगे, प्रसाद में आप कुछ भी रख दीजिए, बताशा रख दीजिए, थोड़ी मिश्री रख दीजिए, कुछ भी रख सकते हैं। फिर आपको वहाँ पे एक टाई बांध देना, मतलब धागे को एक रस्सी एक जगह पे बांध के, फिर आपको लगभग 7 परिक्रमा करनी है। जब आप 7 परिक्रमा करेंगे, अगर आपको कोई गुरु है जिसको आप मानते हैं, कोई भी गुरु हो सकते हैं, आपकी फैमिली में कोई गुरु को मानते हो, आप उन गुरु का ध्यान कर सकते हैं। अगर आप पे कोई गुरु नहीं है तो फिर आप जो है ओम ब्रह्म बृहस्पतिय नमः का जाप कर सकते हैं। ये बृहस्पति का बीज मंत्र है, ओम ब्रह्म बृहस्पतिय नमः, आप इसका भी जाप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई और मंत्र हो, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। कुछ भी आपको बोलते हुए धीरे धीरे 7 परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, लास्ट में धागा आपका खत्म होगा और उसके बाद हाथ जोड़ लीजिएगा। ये परिक्रमा जो आप करते हैं ये बहुत ही खास होती है, कई बार हम लोग 108 परिक्रमा भी बोलते हैं। अब 108 परिक्रमा करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन उतना लंबा धागा होना चाहिए, धागा पीले रंग से रंगा होना चाहिए,
108 बार चक्कर काटते हुए आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय या फिर ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः का जाप करना है। ये वन टाइम ही आपका एक उपाय है। अगर किसी कारण से आप ग्रहण पे नहीं कर पाते हैं तो आप इसको अमावस्या पे, पूर्णमासी पे कर सकते हैं। 25 तारीख को गुप्त नवरात्रा है, आप उस पे कर सकते हैं। फिर कुछ दिनों बाद जो है महाशिवरात्रि आएगी, उस पे कर सकते हैं। बसंत पंचमी पे कर सकते हैं। फिर आपको पता है कि होली आने वाली है तो होली पे आप कर सकते हैं। होली के बाद आप इसको जो है नवरात्रि आ रही है फिर अप्रैल में, उस पे कर सकते हैं। जून में फिर से सूर्य ग्रहण आएगा, आप उस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत सारे दिन हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑक्यूपिशियस डे हैं जिसपे हम अलग अलग डिफरेंट डेज पे हम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आज ही सब कुछ कर लो। इसके अलावा रवि पुष्य जो डेट्स होती हैं या गुरु पुष्य डेट्स होती हैं उस पे भी हम कर सकते हैं। कभी कभी बड़ा बृहस्पति आता है उस पे हम कर सकते हैं। इस तरह के जो दिन होते हैं खास होते हैं आप उस पे किसी पे भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी आपको लगता है इम्पोर्टेंट डे है, खास डे है, कोई जयंती है जैसे हनुमान जयंती है, बगलमुखी जयंती है देवी माँ की, या किसी भी देवी देवता की कोई जयंती आती है, महाशिवरात्रि है, भगवान शिव जी की, गणेश जी की, हनुमान जी की, लक्ष्मी जी की, किसी की भी कोई खास डे आता है तो आप उस पर ये सारे उपाय द्वारा से रिपीट कर सकते हैं। जितनी बार रिपीट कर लें, ऐसा नहीं कि मैं वन टाइम कर लूँ, मैं जितनी बार इन उपायों को रिपीट कर सकती हूँ मुझे करना चाहिए, आपको करना चाहिए। इससे हमारा बृहस्पति बलवान होता है, मजबूत होता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको बृहस्पति की एक ही दिन जरूरत पड़ रही है। अगर आपको आज लव मैरिज की, क्योंकि हमारे जो ग्रहों के बल घटते बढ़ते रहते हैं। जब मेरे पर मेरे ग्रह बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, तो मैं बहुत फल रहूंगी, फूलूंगी। लेकिन जब मेरे ग्रह खराब पड़ेंगे तो मेरा टाइम भी खराब होगा। तो मेरे ग्रह हमेशा अच्छे बने रहें उसके लिए मुझे हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने वन टाइम कर ले तो काफ़ी है। आप पूर्णमासी पे कल कर लेते हैं ग्रहण पे, फिर आपको लगता है कि मुझे इसे दोबारा से करने की जरूरत है, रीजनरेट करने की जरूरत है, तो आप 25 तारीख को कर लीजिए, उस दिन गुप्त नवरात्रि हैं। फिर आपको नेक्स्ट टाइम करना है तो 21 तारीख को फरवरी में शिवरात्रि पड़ेगी, आप तब कर सकते हैं। उसके बाद आपको लगता है तो आप मार्च में होली पड़ेगी, तब कर सकते हैं। अप्रैल में फिर से नवरात्रि पड़ेगी, तब कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अमावस्या, पूर्णमासी से बहुत सारे डेज हैं, प्रेसिशियस डेज हैं जिसपे आप कर सकते हैं, खास डेज जिसको हम बोलते हैं, तो आप कर लीजिएगा। तो आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, उम्मीद है। और इसको करने के बाद हाथ जोड़ के वापस आ जाइएगा, बिना पलटे वापस आ जाइएगा, गलतियों के लिए क्षमा मांग लीजिएगा। इससे आपको फायदा होगा अगर आप 108 बार करते हैं और उतनी देर तक आप सूत को लपेटते हैं। तो मुझे तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई समस्या हो तो सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल।